से अवामी प्रेस क्लब से रात के पेट में हमलो किया है जो असर हाँ जो है सलीम जो पारा किया है अचो तो प्रेस क्लब में मौजूद जो सीनियर साहबी उन्होंने पुछो है अगवान इलाके के बासरन का हजम न पी थे उन सूरत में ही हमलो किया समझू था अजा भी मौसमार धमकू डिन्हीं पी वन जेतरे तीन इन कार्रवाई नी अस इन खिलाफ़ जदोजहद जारी रखा लाल प्रेस क्लब जो उड़ो वाहिद अस नजर आयो ये अवामी प्रेस क्लब जो अवामी मानन जो प्रेस क्लब हो पर रात उनके सो बाहे एक साड़ी हुआ जी उन टारगेट किया यो अस सोचूँ समझू था तो ये हक के आवाज़ के दिलदारी की सलीम जोकू है उनके साथी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे उन वाक्य की जांच कराई वही है सख्त करे सकनता सुभाने असि कें भी साहबी के किथे भी नुकसान पहुंचाए सकनता इन हमले करण जो अस समझू था मकसद त मलीर के अंदर जो अवामी प्रेस क्लब खबरों हलए तो ये उनके जो रिएक्ट में जो है नंढड़ी मामूली पुरदौर मजम्मत करूँ था ये चूं था जो कानूनी अमलदार उन्होंने पाक तरीके से कानूनी कार्रवाई करी वही जी भी मानू इन में मुलवस उनके फौरी तौर से उनके हिरासत में वरतो वे अस एक कदम की शदीद मजम्मत चवंदी अवा के हर गाल में हर मामलात में पा सा गड खी अवज मालिकी कहसी छो तो अव अस मालिकी कर रहा असाजे अवाम की मालिकी कर रहा है बदकिस्मती से मलीर में को भी अड़ो सचो लीडर अड़ो सचो अगवान ना जो मलीर की खिदमत कर सके अवाम की खिदमत कर सके मलीर जो आवाज़ बनी सके ये अवामी प्रेस क्लब हम लोग ना कि मलीर की जी गरीब की आवाज़ मत नी पे अस आईजी रईस मलीर इंतजाम मुकालबा खिलाफ सख्त फैसला खड़ी उन्होंने अगर पेश कह हल कर कोशिश कह सो साफ ही जो हूँ या तो पा तहकी क्या या उन जरिया हूँ जिनका खबरों खड़ा तस्दीक कर हल्दा एक नंढड़ी खबर जो इशू जाना कर जवाब जाना कर ही जो हमलो किया इंतहाई किरियल इंतहाई गलत तरीके से हमलो किया प्रेस क्लब की स्मार्ट कोशिश की है और ये समझा तो ये अस साई तुम रात इन वक्त मौजूद थे हाँ तो ये सजो वाक्य कें पेश आयो इन बाबत बुझा नशे हाल में आयो केर केर हो सलीम जो यो केर बेवन सा गद भजी आवा मो बदल उनन जा मो बदल टोटल घणा होया जण 3 जणा उन्होंने गारगंद भी कई है भी गारगंद क्यों भाई प्रेस क्लब हाँ जो बारे मूँ दिन प्रेस क्लब खाली कराया बंद कराया ये कराया माना उन बावजूद पेट्रोल कर भाई प्रेस क्लब मलीर इदार मलीर के आवाम के अपील कस इन दुखे वक्त में असा सा साथ दिन असा प्रेस क्लब के मथा जो हमलो थो है गवर्नमेंट सिंध वजीर अला सिंध आई जी सिंध एस एस पी मलीर के सामू अर्ज रखस असो फौरन दहशतगर्दी के एक्ट तौर जवाबदार एफ आई आर दाखिल कई वे या वो हमारी जबान पर ताला लगाएगा तो ये उनकी भूल है हम अब इससे बढ़कर मलीर के लोगों के मसाइल पर लिखेंगे उनके दर्द पर लिखेंगे उनके तमाम जो भी उनके साथ मसाइल हैं उनको हम उसका इजहार खुलम खुला करेंगे हम आखिर अतुल खास कली खां सागर खास कली खां हबीब जैब खां और जितने भी यहाँ के बाशूर लोग हम पर हमारे पास आए हैं और उन्होंने हमसे हमदर्दी का इजहार किया उन्होंने मजम्मत की है और हर कस्म के तावन का यकीन दिलाया है हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं अची मजरा कई वही इदारो सिर्फ बैठे मानने जो ना है पूरे मलीर जो इदारो असा जेका भी सरकारी जिम्मेदार या लोकल गवर्नमेंट है इनके सिविल जगह असि चोरी अंदर दाखिल थन कंप्यूटर भी चोरी अथन कुर्सू चोरी अथन ए प्रेस क्लब के मुकम्मल तौर साड़े तबाह कर उन फारिग कदा फरार
आऊं सजी सिंध जे साफ इनके प्रेस क्लब के अपील तो करें त इन गुंडागर्दी खिलाफ आवाज बुलंद कर असन साथ दिन चौधरी प्रेस क्लब मलीर एसेंस के मुख्य इलाके जो प्रेस क्लब है जैन जे साफ इन फंड बंद है वो बने किसे में खर्च करे इदारो हलाइन पिया हम जी कोशिश है ताने बदन मानन जी यो प्रेस क्लब बंद थी जदी आवाम में आवाज बन सके इन करे आऊं एसएसपी के सब प्रेस क्लब अमल प्रेस क्लब मौजूदा स्टेज जे के सीनियर साहब इन साहब पा गाला यो है ते जे का अखिल का शायद हुआ उन सब गाला यो जो ये चवना है जे सलीम जो जो का रात जे पैर में अची ते हम लोग कयो है शराब जे नशे में जो जे जे मौजूद साहब जी हुए है जो जगह जो मालिक साईं मुस्तफा से उनके दरगन के या है उनके फायरिंग करे उनके प्रेस क्लब के फायदे नहीं हुई है समूह दोस्तों जो यही मुतालबा है तबन सलीम के खिलाफ कार्रवाई कई वजे इदारे साहब सैयद सज्जाद अली शाह सोच टीवी कराची।